चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपनी रिवीजन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, मतलब एक मान लो चूड़ी रखी हुई है प्लेन पे, एक चूड़ी रखी हुई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है ना, इस पे घूम रहा है कोई बॉडी घूम रही है और कैसा मोशन एग्जीक्यूट करे, यूनिफॉर्म। तो बताइए क्या कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बताइए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा आपका कहना है, बिल्कुल गलत, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम और वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। बिल्कुल सही करा आपने कि सर वेलोसिटी तो बदल रही है, तो देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड है मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, समझ गए ना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, वेलोसिटी का स्पीड, डायरेक्शन नहीं होती मैग्नीट्यूड में, तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, एनी कर्व पाथ, पैराबोलिक, वेरी सिंपल, पैराबोलिक आंसर डी। चलिए है ना, आंसर भी चेक कर लेंगे, फर्स्ट का आंसर डी है, बिल्कुल सही, सेकेंड का आंसर भी डी है, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स वेलोसिटी इज, किसी अगर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है या नन ऑफ दीज, बिल्कुल गलत, जीरो तो नहीं होगी बेटा है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो होगी वेलोसिटी इसकी मिनिमम हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी होना, सॉरी बी होना चाहिए, तो थर्ड का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी कह रहा है, एक मिनट देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड का आंसर सी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो यू होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी केवल बसती है यू कॉस थीटा, गलत है ये आंसर, बिल्कुल नहीं, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी नहीं, आंसर है मिनिमम, आंसर क्या है, मिनिमम, या इसका दूसरा करेक्ट आंसर बोला जाए तो यू कॉस थीटा, ठीक है, डन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, कह रहा है कि जो सेकेंड का हैंड होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो बेटा सेकेंड का जो हैंड हुआ करता है वो एक चक्कर कितने सेकेंड में लगाता है, 60 सेकेंड में, यस और नो। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल एंगल कितना होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक का, 2π, 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, 2π अपॉन टाइम कितना, 60, कैंसिल कर दो भाई, आंसर आ गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, तो फोर्थ का आंसर आना चाहिए सी, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो कहाँ एक्ट करता है, पढ़िए चार ऑप्शंस, थोड़ा तेज पढ़ो, पहला टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन नॉट चेंजेस, नन ऑफ दीज, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, बिल्कुल सही, तो फिफ्थ का ए, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन इज द व्हाट टाइप ऑफ मोशन, एडजस्ट कर लो, सर्कुलर मोशन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन मोशन होता है सर्कुलर मोशन, जो होता है टू डायमेंशन मोशन, सेवेंथ का, सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का बी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज, वेरी सिंपल, नाम ही है यूनिट वेक्टर, तो कोई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। नाउ टॉर्क इज ए क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर बोथ एंड नन ऑफ दीज, तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर और नन ऑफ दीज, सो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके,
8th का ए, यस एग्जैक्टली, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस आर, लिख लो कॉपी में, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस, ओके, सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला लिख लो टॉर्क का एफ क्रॉस आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप, ऐड करना है, वेरी सिंपल, 2i को 2i से ऐड करो कितना हो जाएगा 4i कैप, तो यही ऑप्शन दिख गया, और 4 में से माइनस 5 गया कितना माइनस जे कैप, तो करेक्ट आंसर हुआ 4i कैप माइनस जे कैप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर्स आर ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट, नो माई गॉड, वैक्टर प्रोडक्ट कैसे होगा भाई, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी होगा ना, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी, चेक करते हैं, 10th का ए, 9th का सी था, 10th का ए था, 11th का बी था, तो दिस इज ऑल डन, ओके, सो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले के। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मेमोरी बेस से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट देन इट्स पाथ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है तो इसका पाथ कैसा होता है, बताइए कैसा होता है भाई, कर्व, कौन सा कर्व, पैराबोलिक, कौन सा कर्व आएगा, पैराबोलिक, तो करेक्ट आंसर विल बी पैराबोलिक, ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैराबोलिक। इफ अ बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड, बताओ अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रही, सॉरी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 2 मीटर चला 1 सेकेंड में, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी भी सही है, सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक ना, यस, तो इसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस, देखिए पहला पैराबोलिक, सेकेंड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड, इन टू डायमेंशनल मोशन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव्स अलोंग अ, इन टू डायमेंशनल मोशन ए बॉडी मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगी अलोंग ए, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है कि किसी टू डायमेंशन मोशन में अगर कोई बॉडी जो है यदि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब वो किस रास्ते पे चल रही होगी, स्ट्रेट लाइन, भाई देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये लाइन जा रही है, ये मोशन कौन सा है, टू डायमेंशन है, क्योंकि एक्स भी ट्रेवल हो रहा है और वाई भी ट्रेवल हो रहा है, मगर पाथ देखो कैसा है लाइन का, स्ट्रेट लाइन, बॉडी का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो थर्ड का आंसर क्या होगा भैया, स्ट्रेट लाइन, आया समझ में नहीं आया, तो थर्ड का आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन। फोर्थ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड एस, बताइए भाई, जो प्रोजेक्टाइल होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल, क्या बोलते हैं इसको, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं इसको, वेरी सिंपल आंसर, मैक्सिमम रेंज, नो, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज आर, बेटा फॉर्मूला नोट कर लो, आर का क्वेश्चन बनता है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी, ठीक है। डन, नेक्स्ट अब बात करते हैं मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल का मोशन कैसा होता है, वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, थ्री तो हो नहीं सकता क्योंकि हवा में उड़ती नहीं है, तो बिलियर्ड बॉल का मोशन कैसा होता है, बताइए, टू डायमेंशन, बिल्कुल सही, द मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल इज टू डायमेंशन, क्योंकि बिलियर्ड को कैसे मारते हैं, ऐसे ही तो मारते हैं, है ना, तो इस तरीके से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स का एक वाई का, तो टू डायमेंशन,
नहीं, बिलियर्ड बॉल वो जो टेबल में नहीं खेला जाता है, टेबल में खेला जाता है ना, है ना, डंडी से, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, गैस के मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होता है बताओ। बिल्कुल सही, थ्री डायमेंशन, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक्स में भी ट्रेवल करते हैं, वाई में भी और जेड में भी, तो दिस इज 3D। इन वन डायमेंशन मोशन यूनिफॉर्म मोशन, इन वन डायमेंशन मोशन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया, बताइए कि वन डायमेंशन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, अरे यार यूनिफॉर्म मोशन कोई भी होगा, पाथ हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, वन डायमेंशन मोशन में अब कैसे होगा, वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म मोशन, ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन चल रही है, ऐसे जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो केवल एक्स ही तो ट्रेवल होगा, हाँ या ना, वाई ट्रेवल नहीं होगा यार, जेड कहाँ ट्रेवल होगा, एक्स बस ट्रेवल होगा, तो वन डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल आप ले लो, आप खुद ले लो, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो, या ट्रेन कोई जा रही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो केवल एक्स ही या ट्रेवल हो रहा है या तो वाई ट्रेवल हो रहा है, या बेस्ट एग्जाम्पल ऊपर से गिरती हुई बॉल, ये देखो ऊपर से गिरती हुई बॉल केवल जेड ट्रेवल करती है, तो वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल हुआ, तो किस में चलती, स्ट्रेट लाइन में हुई ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो इन वन डायमेंशन मोशन यूनिफॉर्म मोशन, बट ऊपर से गिरती हुई बॉल यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मिलता उसको, मिलता है कि नहीं मिलता, हाँ, तो इन वन डायमेंशन मोशन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, तो अगर वन डायमेंशन मोशन भी हुआ तो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ तो डायरेक्शन बदलेगी, तो वन डायमेंशन तो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू, हाँ, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, कोई पार्टिकल जो है, वो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट इज हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो आपको बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, बिल्कुल गलत है, हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर कोई पार्टिकल जाएगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है यू नहीं होती है, क्या होती है, यू कॉस थीटा होती है, क्या होती है, यू कॉस थीटा, समझ में आया ना, तो आंसर इसका होगा यू कॉस थीटा, लिख लो बच्चों कॉपी में, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, लिखो आप भी लिखो बेटा, एट इक्वल टू 0 भी कुछ होता है क्या, क्या बताए, यू इक्वल टू 0, हाँ वो तो हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता था, ये बोलते थे वी वाई इक्वल्स टू 0, वी वाई इक्वल्स टू 0, समझ गए ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाता था। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज अ व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, कैसे डिनोट किया जाता है, एल से, तो एल वेक्टर इक्वल टू एम ब्रैकेट में क्या आता है, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, लिख लो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू एम वी आर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड वाइज एल इक्वल टू एम वी आर, नोट करो, सवाल पूछो जय क्या दिक्कत आ रही है, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि ब्लैंक इज अ क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्केलर आएगा आंसर, ठीक ना, तो नाइन्थ का तो वेक्टर आ गया, टेंथ का क्या आ गया, स्केलर, अगला है ना, इसमें वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, तो इसमें तो वेक्टर आएगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, द एरो हेड गिव्स व्हाट ऑफ वेक्टर, भाई एरो का हेड क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना, तो आंसर एरो हेड क्या देगा, डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3i² + 4j² कितना होगा भाई, देखते ही बन रहा 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट कंपोनेंट का स्क्वायर, तो पहला एक्स कंपोनेंट है 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो आंसर कितना आएगा, √25 यानी कितना 5। नेक्स्ट, वॉल्यूम की डायरेक्शन होती है क्या, नो नहीं होती है, तो वॉल्यूम क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज हाउ मच, 0,
डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा कितने आएगा, कॉस 90, और कॉस 90 कितना होगा, जीरो। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अगला, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, ये भी जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। डन। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इज टू म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर इक्वल टू जीरो। डन। चलिए अब करते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम यहाँ पे आपके दिखे हैं क्वांटिटी और यहाँ पे लिखी गई है यूनिट। तो भैया टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, बेटा लिख लो कॉपी में सेकंड। टाइम पीरियड किस में नापा जाता है, सेकंड में। फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है, रेडियन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा किस में नापा जाता है, रेडियन में। एंगुलर वेलोसिटी किस में नापी जाती है, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा किस में नापा जाता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। समझ में आया, एंगुलर है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए डन। अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉलम नंबर ए कॉलम नंबर बी। K कैप क्रॉस K कैप, भैया सेम यूनिट वेक्टर हैं तो K कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो आंसर इसका कितना होगा, जीरो। समझ गए, क्यों, क्योंकि I कैप क्रॉस I कैप सेम वेक्टर हैं तो बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ऐसे ही K कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू जीरो होता है, बट डॉट प्रोडक्ट में I कैप क्रॉस I डॉट I कैप कितना होता है, वन। I कैप डॉट I कैप वन। I कैप क्रॉस J कैप क्या होगा, K कैप। I को J की तरफ घुमाओगे K मिलेगा। डिस्टेंस स्केलर, मोमेंटम वेक्टर। डन हो गया भाई, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन वन वर्ड वन सेंटेंस, ठीक ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, अभी पढ़ाया, आंसर कितना, जीरो। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, आंसर जीरो। ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल, टू डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन का, क्योंकि दो ही चीज ट्रेवल होती है, एक्स और वाई, है ना। वॉट इज द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वैक्टर, अभी बताया, जीरो। अगर दो पैरेलल वैक्टर हैं तो साइन थीटा आता है, तो साइन जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। सो द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वैक्टर इज जीरो। डन। यस, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्यों कर दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज ऑब्टेन। रट रट गए होगा भैया, आंसर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट, कह रहा कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज वर्टिकल हाइट के इक्वल होता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक तरीका बताया था, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट में रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू 4 tan theta, सॉरी आर इक्वल टू आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4h, ये रिलेशन मैंने बताया था। और इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, रतन चोर है, है ना, रतन चोर है। इस ट्रिक से मैंने बताया था ये h और r में रिलेशन होता है, h और r में क्या होता है, रिलेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस एंगल के लिए, प्रोजेक्शन एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट इक्वल होंगे, मतलब आपको बताना है कि वो कंडीशन जिसमें r और h क्या हो, इक्वल। तो दोनों को x मान लो, तो यहाँ पे पुट कर दो x tan theta इक्वल टू कितना बेटा, 4x, x tan theta इक्वल टू 4x, x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो tan theta इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, सो theta इज इक्वल टू आ गया tan inverse 4 इज द आंसर। तो आंसर आएगा भैया इसका tan inverse 4, ठीक है ना। तो आंसर आ गया tan inverse 4, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन।
स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इज द स्केलर वेक्टर, है ना, कौन कौन सी क्वांटिटी, वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सेलेरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो पहचानना है कौन कौन सी स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर। तो स्केलर में देखिए वॉल्यूम आएगा, मास आएगा, स्पीड आएगा, डेंसिटी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये सारे के सारे स्केलर हैं। और वेक्टर में क्या आएगा, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे के सारे वेक्टर होंगे। सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, पिक अप ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। तो टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर, 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 प्रेशर भी नहीं है, प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। तो प्रेशर को कैसा माना गया है, टेंसर, कैसा माना गया है, टेंसर। इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स इक्वल्स टू, इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही। इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड बाई डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज ए वेक्टर। टाइम स्केलर, पावर स्केलर, टोटल पाथ लेंथ स्केलर, एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी स्केलर। समझ गए, तो ओनली यहाँ पे क्या है, इंपल्स ही वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी एड टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायमेंशन, नो। अरे दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन डिफरेंट हो, एड नहीं कर सकते हो, फिर वो चाहे वेक्टर हो या स्केलर हो। फोर्स में फोर्स ऐड होगा, वर्क में वर्क ऐड होगा, समझ गए ना। केवल बिना डायमेंशन की चीज़ एक ही बार ऐड हुई थी, जब भगवान गणेश को ऐड किया गया था इंसान के सिर के ऊपर, ठीक ना, वहाँ पे एडिंग हुई थी इंसान की और एनिमल की, उसके बाद कभी नहीं हुआ। कैन वी एड स्केलर टू ए वेक्टर, नो, नेवर, स्केलर कैन नेवर बी एडेड टू ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन थ्री वेक्टर कैन बी एडेड सो देयर रिजल्टेंट इज जीरो। तीन वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है जैसे कि उनका रिजल्टेंट जीरो है, भैया तो क्या होगा, तीन वेक्टर ऐड होकर के अगर रिजल्टेंट जीरो दे रहे हैं, इसका मतलब किसी दो का एडिशन जो आएगा वो तीसरे वाले के क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, समझ गए ना। अगर तीन वेक्टर भिड़ करके जीरो हो रहे हैं, जैसे मान लो ये, ये और ये, ये भिड़ा यहाँ पे, ये भिड़ा यहाँ पे और ये भिड़ा यहाँ पे, ये तीनों मिलके आंसर कितना दे दिया आपको, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इन दोनों को मिटा करके इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, आएगा और वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये और ये लड़ गए होंगे, तो आंसर कितना हो गया, जीरो, डन। सो इफ थ्री वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। हाँ ये भी आंसर हो सकता है कि अगर आप तीन वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हो कि वो लगातार जाती हुई ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और तीन है तो तीन, चार है तो चार, दस है तो दस, कोई भी वेक्टर अगर एक क्लोज पॉलीगन बनाएंगे बेटा तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो। समझ में आ गया ना, उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा जीरो होगा, क्लियर या नॉट क्लियर, बन जाएगा ना, तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा। चलो लिखो बच्चों, नोट लिखो, इफ मैनी वेक्टर्स, लिखो, इफ मैनी वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग, इफ मैनी वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लोज्ड पॉलीगन, इफ मैनी वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज्ड पॉलीगन, देन देन क्लोज्ड पॉलीगन विच साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, वेयर द विच साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज जीरो, रिजल्टेंट इज जीरो, तो रिजल्टेंट जीरो होगा, देन समझ में आया, रिजल्टेंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। तो भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये कोई गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में वन अमाउंट का वेक्टर, यूनिट अमाउंट का वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड कॉल यूनिट वेक्टर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, एंड जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती फिक्स। कैन ए वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई स्केलर, यस, एग्जाम्पल इन ए फोर्स एक्सेलरेशन कितने टाइम्स हो जाता है, एम टाइम्स, तो क्या बन जाता है, वेक्टर फोर्स बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, सो यस एफ इक्वल टू एम ए, यस वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद ए स्केलर। अगर किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है, जैसे सपोज ये वेक्टर ए है,
अब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2 वेक्टर ए, मतलब ये जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड जस्ट कितना हो जाएगा, डबल, समझ गए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर, भैया दो वेक्टर इक्वल होंगे जिनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हों और जिनके डायरेक्शन भी सेम हो, तो उनको बोलेंगे अपन इक्वल वेक्टर। ओके, सो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इक्वल एंड देयर डायरेक्शन इज इक्वल, मतलब पैरेलल, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर मतलब ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर माइनस ए, क्या समझ में आ रहा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ए वेक्टर व्होज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर ए बट इट डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेक्टर ए इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इट इज डिनोटेड बाय माइनस वेक्टर ए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास दो सक्सेसिव वेक्टर ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे OA और OB दो लगातार वेक्टर हैं और ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो तीसरा साइड जाएगी वो उन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, रिजल्टेंट, समझ गया ना। और उसको अपोजिट ऑर्डर में लेना अगर रिजल्टेंट देखना है तो, समझ में आ गया ना। हाँ, तो क्या क्वेश्चन कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डेफिनेट ऑर्डर देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट मैनर, मतलब वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी, जहां तीनों क्या है, साइड्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के लिए है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, डन। चलिए ओके, ये तो कर लिया हमने, दोबारा आ गई ये फाइल, इसको डिलीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम, दो वेक्टर का सम जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। तो भैया देखिए, दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट जो आता है वो कितना आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर का मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर सम मैक्सिमम चाहिए आपको तो थीटा इक्वल टू कितना मांगता है, जीरो डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। और अगर सम मिनिमम चाहिए तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आंसर पढ़ता हूँ, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स आर मैक्सिमम व्हेन देयर डायरेक्शंस आर सेम एंड मिनिमम व्हेन देयर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, आंसर है रेफर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रम टाइप, तो बाद में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, फॉर व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, आंसर थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 45 डिग्री। और मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना जी, तो बेटा टू थीटा की वैल्यू साइन 45 पे कितनी हो जाएगी, 1, तो आंसर क्या बनेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बच्चों फॉर्मूला लिख लो, आर मैक्स जो हुआ करता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर टू बुलेट्स आर शॉट विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच विल मूव रीच ऑन द ग्राउंड फर्स्ट। चलिए देखिए, कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर से दो बुलेट को फायर किया है, शॉट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, एक को कम से और एक को ज़्यादा से, समझ गए ना। तो बताइए कौन सा ज़्यादा समय लेगी, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा बेटा, क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा बेटा, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो इसमें जो बनता है फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम का, वो स्पीड पर, हॉरिजॉन्टल स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब बोथ बुलेट विल टेक द सेम टाइम, बोथ बुलेट विल टेक द सेम टाइम। फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ, एक मिनट लगेगा। यहाँ से आपने किसी बुलेट को फायर किया है एक U1 वेलोसिटी से और एक U2 वेलोसिटी से, ठीक है बेटा, और हाइट क्या है, सेम है, ठीक है ना, हाइट दोनों की सेम है। चलिए तो देखिए, हाइट के लिए कौन सा मोशन जिम्मेदार होगा, वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो,
हॉरिजॉन्टल में तो है कुछ ना कुछ, है ना बेटा, वर्टिकल में कितनी है, जीरो। तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस डाउनवर्ड क्या है, माइनस एच मान लो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एच। यू यू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो, प्लस वन अपॉन टू माइनस जी और कितना टी का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस एच इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, टू एच इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी टी का स्क्वायर, टू एच अपॉन जी इक्वल टू कितना टी का स्क्वायर। तो बेटा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। क्या इसकी कोई कहानी दिख रही है यू वन और यू टू की, नहीं दिख रही ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी चाहे तुम कितने से फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम एकदम सेम लगेगा, बस हाइट पे डिपेंड करता है कि हाइट सेम होनी चाहिए, समझ गए ना, ना मास पे डिपेंड करता है ना इनिशियल वेलोसिटी पे, समझ गए बच्चों, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और यही निकलता है ऑब्जेक्ट का भी, नोट कर लो, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। तो भैया हाइट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। डन, एनी प्रॉब्लम, चलिए। तो ये हो गया भैया टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी, तो ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों को सेम टाइम लगेगा, डन। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, कह रहा है कि बताइए किस समय प्रोजेक्टाइल जो होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम। हाँ तो भैया जिस समय आप प्रोजेक्ट करते हो, जिस समय आप फेंकते हो, द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। अभी देखो यही क्वेश्चन में जीरो कह रहे थे, अब कहने लग गए मिनिमम, समझ गए ना। तो जिस समय आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो उस समय प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, समझ गए ना। और जिस समय ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो ये क्या होती है, मिनिमम। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जितनी यहाँ पर होती है ठीक टकराते समय भी उतनी होती, बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यदि फेंकने की वेलोसिटी को आप अगर v1 मान लो और अगर इधर टकराने की वेलोसिटी को आप v2 मान लो तो दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर का मॉड, समझ में आया ना। हाँ इनिशियल स्पीड जो होती है फाइनल स्पीड के इक्वल होती है, समझ गए ना, टकराते समय और फेंकते समय जो स्पीड होती है दोनों की वो इक्वल हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, समझ में आ गया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज चेंजेस, सो यूनिफॉर्म मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन, समझ में आया। चलिए एस्टैब्लिश फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, तो अपन को ये इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है भाई, मॉड ऑफ ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, समझ गए ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा वन, तब होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, ए प्लस बी की मॉड ए प्लस बी की अंडर रूट मॉड ए प्लस मॉड बी, यस और नो, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब बाकी ए प्लस बी की वैल्यू इससे क्या होंगी, कम होंगी, इससे क्या होंगी, अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो ए प्लस बी जो है मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है वो हद से हद
ये इसके इक्वल हो सकता है और इससे कम होगा. तो लिखा है सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू वन, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. यस और नो? सो मॉड ए प्लस बी इज लेसर देन और इक्वल देन मॉड ए प्लस मॉड बी. समझ गया ना? सिमिलरली भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी को क्या लिखते हैं? मॉड ए माइनस मॉड बी. तो बाकी वैल्यूज तो क्या होंगी? इससे बड़ी ही होंगी ना. यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो मॉड ए माइनस मॉड बी से हर हालत में बड़ी होगी और गिरी से गिरी इक्वल होगी. और जब इक्वल होगी तो वो कहलाएगी मिनिमम. ये इसकी मिनिमम. समझ में आया? ओके. तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन के लिए मिनिमम. तो बना लो बच्चों दो इनइक्वालिटी बना लो. क्या इनइक्वालिटी बना लो? अपनी कॉपी में लिख लो मॉड ए प्लस बी इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल देन मॉड ए प्लस मॉड बी. बनाओ भाई जय. एंड मॉड ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन मॉड ए माइनस मॉड बी. ठीक है? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों? चाहे वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जोड़ो या वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ जोड़ो, बात बराबर आनी चाहिए. स्टेट एंड प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब आइए देखते हैं कि कैसे वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है. ठीक है ना? नहीं वो नहीं सबसे ऊपर बेटा. हाँ वही सबसे ऊपर उसी के हैं. तो देखते हैं कि किस तरीके से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है. चलिए ये देखिए. तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, देख लीजिए आप. यहाँ पे एक मेरे पास ट्रायंगल है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है कि कैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है. कंसीडर टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर द सेम प्लेन. ओ ए दे दिया गया बेटा वेक्टर ए और ओ बी दे दिया गया वेक्टर बी. अब देखिए इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा बेटा ट्रायंगल लॉ से? वेक्टर आर. तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी. क्लियर हो गया ना? ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू, अच्छा इन्होंने पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव किया, मैं ट्रायंगल लॉ से कह रहा था. अभी अपन इसको पैरेललोग्राम मतलब इसमें ट्रायंगल लगा दिया. चलो ठीक है ना? अब क्या करो बच्चों, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो. कट 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 किया. तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये भी क्या होगा? वेक्टर बी होगा, है ना? तो यानी जो अपने पास ओ सी बनेगा वो वेक्टर बी होगा और जो ऊपर जो सी बी बनेगा वो भी क्या होगा? वेक्टर ए. अब इसमें लगाइए ट्रायंगल लॉ, इसमें और इसमें. तो क्या पढ़ा है ट्रायंगल लॉ से अपन ने? दो लगातार साइड का सम तीसरे अपोजिट के इक्वल होता है. तो दो लगातार कौन है? बी प्लस ए और अपोजिट वाली कौन है? वेक्टर आर. है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बी प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा वेक्टर आर के, यानी ओ बी के. पिछले बार ए प्लस बी ओ बी के इक्वल था और इस बार बी प्लस ए ओ बी के इक्वल है. मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस द एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव. डन? आया समझ में ना? अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं. शो दैट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव. मतलब एसोसिएटिव का मतलब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी कर दो या ए प्लस बी जोड़ के बाद में सी प्लस कर दो. मतलब इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि ए के साथ बी और सी का रिजल्टेंट जोड़ दो या ए प्लस बी के साथ ए और बी के रिजल्टेंट के साथ सी जोड़ दो, बात बराबर है. ठीक है ना? तो ऐसा करने के लिए क्या करो, आप तीन वेक्टर ले लो. ओ से लेके ए ए ले लो, ए से लेके बी बी ले लो और बी से लेके सी सी ले लो. ले लिया? तो चलिए अपने पास ओरिजिन ओ है और तीन वेक्टर ले लिए ओ ए ओ बी और बी सी. ओ ए ए बी और बी सी तीन वेक्टर. बोलो यस. अब हमने क्या बनाया? ओ ए और ए बी को जोड़ करके ए प्लस बी बनाया. ये ए प्लस बी बन गया. अब ए प्लस बी में ट्रायंगल लॉ से सी जोड़ा तो देखो रिजल्टेंट क्या बनेगा. यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई ए प्लस बी यू गया और सी यू गया तो दोनों का ज्वाइनिंग वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में यही तो बना. तो क्या बन गया? ओ सी वैक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस कितना? सी. अब एक काम करो, बी प्लस सी ले लो. देखो बेटा ये बी है और ये सी है तो ये क्या बनेगा बेटा? बी प्लस सी. ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो. बी प्लस सी गया और B प्लस सी में हमें क्या ऐड करना है? A ऐड करना है.
बी प्लस सी में हमें क्या ऐड करना है, ए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो वेक्टर ए में ये वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट फिर भी तो यही जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे यार ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी प्लस सी गया है, तो यही तो रिजल्टेंट जाएगा अपोजिट ऑर्डर में, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसी दोनों केसेस में रिजल्टेंट आया कि नहीं आया, तो दोनों केसेस में रिजल्टेंट आ गया मतलब दोनों इक्वल होंगे, डन। अब अगला है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अपन को एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ही सिंपल लॉ है, इफ द साइड्स ऑफ इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग एट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू देयर कॉमन साइड। मतलब अगर दो साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो कर रही हैं, ये एडजेसेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के डायगोनल से पास होता है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उनका डायगोनल ओ सी जो होता है उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इन पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, तो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा और ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट इसका आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यस तो देखिए ये अपने पास है, इसका प्रूफ कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो अपन ने देख लिया, अब इसके बाद इसका ये प्रूफ है, ये था इसे, ये दोबारा आ गई है स्लाइड, प्रूफ नहीं है ये, यस तो यस, तो बाय ट्रायंगल लॉ, जैसा मैंने कहा कि ट्रायंगल लॉ आप लगा देंगे है ना, तो ओ बी ए सी बी हो जाएगा और ट्रायंगल लॉ ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन इज स्केलर एंड वेक्टर। एडिंग ऑफ एनी टू स्केलर, स्केलर एडिंग ऑफ एनी टू स्केलर्स, वेट 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 वेट, कह रहा है इफ स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर्स एंड वेक्टर आर मीनिंगफुल। स्केलिंग एडिंग एनी टू स्केलर, क्यों भाई, तो हमेशा मीनिंगफुल नहीं है स्केलर का एडिशन, केवल सेम डायमेंशन के स्केलर को ही ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स के साथ, वर्क को वर्क के साथ, सॉरी फोर्स तो वेक्टर हो गया, वर्क को वर्क के साथ, तो आंसर नो, बिकॉज ओनली द स्केलर ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। सेकेंड, एडिंग ए स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, एक स्केलर को वेक्टर के साथ नॉट पॉसिबल, कभी भी कोई स्केलर वेक्टर के साथ ऐड नहीं हो सकता, चाहे डायमेंशन कुछ भी हो। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, अभी पढ़ाया मैंने, मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सेलरेशन को मास के साथ, तो उतने गुना हो जाएगा एम टाइम्स, है ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, खूब शौक से करो भाई, मल्टीप्लाई होते हैं, यस एक स्केलर जो आराम से मल्टीप्लाई होता है दूसरे स्केलर के साथ। तीसरा, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर विकास बिल्कुल ऐड होते हैं, है ना, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, मगर एक चीज़ और याद रखें, केवल सेम डायमेंशन के ही वेक्टर ऐड होंगे, समझ गए ना, अलग अलग डायमेंशन या अलग अलग यूनिट्स के वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते हो हमेशा। सेकंड, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, हाँ बिल्कुल सही, एक वेक्टर के कंपोनेंट को आप जोड़ सकते हो, जैसे एक वेक्टर एफ है और इसके साथ एफ कॉस थीटा, तो भैया इन दोनों की डायमेंशन तो सेम होंगी ना, तो सेम डायमेंशन के वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो। चलिए ठीक है,